कहाँ बेचने जा रही हो? गोकुल। एक बात पूछे, गोकुल में दही बेचने जा रही? गोकुल से आई, बरसाने से कुछ आई है, सब जगह के थोड़ी थोड़ी। अच्छा एक बार पूछे, बताओ जाना से कितनी लड़कियों की शादी हुई, कितनी कुंवारी हो? जासे का मतलब तुम्हें? अरे पूछी क्यों रहे? क्या तुम कुंवारे हो? पा तुम कुंवारे हो? असो तो गाय को बताओ तो भैया। गोकुल से। अच्छा हाँ। और किसकी शादी हो गई? इनको शादी गई जेने की बहन की नंद है। अच्छा हाँ। और इनकी कहाँ भाई? इनकी हाँ मायनपुरी। उनकी तुम्हारी कहाँ भाई? अरे खड़ो रहिए। अच्छा ये तो छोड़ो क्यों करते हो? हाँ भाई बता दो। रुक गया नहीं नहीं सही रहे कॉपी है क्या? पागल है कमिश्नरी बना रहा हूँ। रोग हाँ ये अब मोटी खड़ी है, बाकी काम है भाई। भाई दरवा अब आप बाकी बकरिया वाली जय गोरे लाल की बहू है। अच्छा अच्छा हाँ। और जा जा बाकी दिखी अगर छोटी खड़ी आगे वाली जाती का छोटी जाके दाढ़ी भी जाए देख ले। अब ये बताओ मैं क्यों? हाँ तुम्हारी कहाँ कहाँ शादी हुई है? हमारी हाँ। हमारी बातचीत चल के देखो क्या बातचीत चल रही शादी। अच्छा अच्छा मोबाइल भाई को दिख रहा हूँ नहीं गए। और इसकी इनकी सबकी हुई गई जा बताओ हुई कौन से गांव में? जय गोकुल की आई हाँ की आई ठीक है हाँ। तो गाय माँ दीदी भी आए और इनकी परेशान भाई। अच्छा इनकी बातचीत चल रही मथुरा का लड़का तुम राजा के मथुरा का लड़का जाकर जिस दिन करिया भैया शादी क्यों नहीं की मथुरा जाता हूँ हमारे पाप महतारी की मर्जी क्या शादियों जिनकी शादी हो गई उनको कुंवारी है उनको शोका और जिनकी शादी हो गई उनके पत्रों को ऐसा नहीं चलेगा। जिनकी शादी हो गई उनका भी दही उसी भाव बिकेगा जिनकी शादी नहीं है उनका भी उसी भाव बिकेगा। अच्छा हाँ का सुनाओ क्या बताओ बंटवारा का एक कत्ता जिन लड़कियों की शादी हो गई उनको एक्साइट करो जो कुंवारी है उनको अलग कर। अरे मैं कभी वो करो तुम चलो ठीक है तुम इधर आ जाओ तुम्हारा शादी के तुम्हारी के तुम उधर हो जा। अब मेरी बात सुनो साथियों सुनाओ इनके बर्तनों को बर्तनों को उतार दो हाँ। ए कमरा उतारो हाँ। ऐसे नहीं हाँ। अपने हाथों से उतारो ये ऐसे नहीं उतारेगी अपने हाथ हाँ। जब महाराज का काम होने का हो मैं क्या अब जितनी लड़कियां थी सभी के पत्रों को उतार दिया रक्त से बांध दिया इतनी पिटाई लगाई इतनी पिटाई लगाई लड़कियों का बदन काला कर दिया भैया जो तुम्हारा मंत्री बहुत मानती है अब जिनकी शादी में उन्हें मान दो हमारी में भाई ना तुम कर ले से इतनी पिटाई लगाई ये खबर महाराज दुष्यंत के दरबार में पहुंची और दुष्यंत बोले ओए कंस कंस कहिए पिताजी इधर आ जाओ मैंने सुना है